आजकल जो भी गेम खेलने के लिए मैं इस आईपैड का यूज करता हूँ, आईपैड प्रो 2021, जिसमें मैं सबसे ज्यादा बीजीएमआई खेलता हूँ। अपेक्स लीजेंड मोबाइल भी खेल लेता हूँ भाई कभी कभी, और कुछ और गेम भी है, लेकिन वो मैं ज्यादा खेलता नहीं। और भी बहुत कुछ है यार इसमें, लेकिन डाउनलोड नहीं किया है मैंने। बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन मेरे काम का नहीं है। बस मैं इसमें बीजीएमआई खेलता हूँ, अपेक्स लीजेंड मोबाइल भी खेल लेता हूँ यार कभी कभी, और एडिटिंग के लिए मैं लूमा फ्यूजन यूज़ करता हूँ। लेकिन अभी तो मैं पीसी पर ही अपनी एडिटिंग करता हूँ, और पीसी गेम भी भाई खेलता हूँ मैं आजकल, जैसे GTA 5। 2 बार मैं माइनक्राफ्ट भी खेला हूँ, 1 बार ही खेला हूँ। तो उसकी वीडियो मैंने डाली थी अपने दूसरे चैनल पर, जाकर देखना। जब आप मेरे चैनल पर जाओगे ना, तो आपको यहाँ पर ये चैनल दिखेगा, किल चोर गेमिंग। तो इसे दबा देना जोर से, और ये घंटा भी दबा देना। और देखो अभी जो है, मैं आपको एक बहुत ही मस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ। मैंने अपनी लाइफ में जब सबसे पहले गेम खेला था ना, किस मोबाइल में खेला था वो देखो भाई। तो ये वो मोबाइल है भाई जिसमें मैंने सबसे पहले गेम खेला था। वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो रुको भी, तो आपको दिख रहा होगा भाई, ये वो मोबाइल था हमारा, नोकिया 2100 अल्ट्रा मैक्स प्रो। तो इसमें मैं सबसे पहले भाई गेम खेला था, और ये हमारे घर में भाई सबसे पहले मोबाइल आया था। मैंने इसकी वीडियो एक बार पहले ही बनाई थी, 2 मिनट की छोटी सी। तो आज हम जो है इसकी हार्ट बीट चेक करेंगे, देखेंगे कि भाई इसकी हार्ट बीट चल रही है नहीं चल रही है, या ये जी रहा है नहीं जी रहा है, या दम तोड़ चुका है ये। वैसे ये नोकिया के फ़ोन है ना भाई, देखो इसको ना 15 से ज़्यादा साल हो गए होंगे। और अगर आप अभी कोई भी स्मार्टफोन लेते हो ना, मुझे लगता है कि आप उसे 2 3 4 5 साल तक यूज़ करते होंगे, कर लेते होंगे बहुत बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो नहीं कर पाते। और 5 6 साल पुराना मोबाइल तो यार आजकल पता नहीं कोई यूज़ भी कर रहा होगा या नहीं। लेकिन ये देखो, इसको ना 15 से ज़्यादा साल हो गए और आज भी ये चलता है। देख लेते हैं, नहीं चल रहा भाई अभी तो। खैर इसमें बैटरी नहीं है, पहले भी बैटरी नहीं थी इसकी, मैं बैटरी ढूंढ के तो ले आया हूँ। तो आज जो है चेक करेंगे कि चलेगा नहीं। इसका चार्जर तो मेरे पास नहीं है यार, चार्जर ये थोड़ा सा ओपन भी है। तो ये है नोकिया 2100 जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इसमें मैं कौन सा गेम खेलता था जो फिर से खेल लेंगे, तो पुरानी यादों को ताज़ा ताज़ा करेंगे भाई बिल्कुल। तो इस मोबाइल में मैं सबसे पहले खेला था। अभी इसकी बैटरी देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये इसकी बैटरी है। आजकल तो भाई मोबाइल में बैटरी भी नहीं निकाल सकते, अब नहीं डाल सकते। पहले तो यही था, अपना बैटरी निकालो, जब भी फ़ोन में कुछ भी गड़बड़ हुई बैटरी निकालो और डाल दो, बस भाई चल जाता था। तो अभी देख लेते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये दबाते इसका, अरे भाई देखो ऑन हो गया यार ये बिना चार्ज के। मुझे लग रहा था कि बैटरी में मतलब चार्जिंग नहीं होगी, तो चार्ज है यार। देखो तुम्हारे भाई का नाम आ रहा है, अक्षय ढांडा लिखा हुआ। अरे यार ये तो स्विच ऑफ हो गया भाई, ये ना थोड़ा सा चलता है फिर भाग जाता है यार, ये ऐसे कैसे काम चलेगा। मैं दबा कर रखता हूँ इसे, अगर चल जाए तो अच्छा भाई, फिर आपको वो गेम खेल कर दिखाऊंगा जो मैं सबसे पहले खेलता था। चल गया शायद, नहीं भाई ये बंद हो रहा है, या तो इसकी बैटरी डाउन है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए भाई, मैं पहले इसको ना चार्ज लगा लेता हूँ, और चार्जर तो इसका मेरे पास नहीं है। तो जादू चार्जर को बुलाया जाए, जादू चार्जर कहाँ है भाई। अरे ये क्या है, इसको उल्टा रख दूँ कहीं, आप डर जाओ भाई। तो ये है भाई जिसे कोई मकोड़ा चार्जर बोलता है, कोई बिच्छू, कोई केकड़ा, पता नहीं भाई क्या क्या बोलते हो आप इसको। तो मुझे जो है इसमें ही ये चार्ज करना पड़ेगा। तो अब पता नहीं भाई कितना टाइम लगेगा, अगर मुझे पता होता पहले तो भाई मैं इसको जो है पहले ही चार्ज लगा देता। तो देखो ये जो है पहले यहाँ पर मिलानी पड़ती थी, इस चार्जर से ना हम किसी भी मोबाइल की बैटरी चार्ज कर सकते थे। तो पहले तो ज़्यादा यूज़ होता था इसका, लेकिन अब नहीं होता। पहले इसको जो है मैं दो दो बैटरी रखता था मोबाइल में, और फिर एक चार्ज ये करता था चार्जर, और एक को मैं फ़ोन को घुमा कर रखता था हमेशा। तो ये शायद भाई ये इसमें पता नहीं क्या हो गया यार, देख लेते अगर चल जाती है तो अच्छी बात है, चला कर देखेंगे। तो अभी जो अभी मैंने बैटरी जो चार्ज पे लगा दी है, पर वो हो नहीं रही। पता नहीं यार ये मोबाइल अब दोबारा से ज़िंदा हो पाएगा, दोबारा से सांसें ले पाएगा नहीं। बाकी कोशिश पूरी है भाई, ऑपरेशन ऐसे फेल नहीं होने देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको दोबारा होश में लेकर आने की। वैसे आप ये देखो यार, इसमें जो है हमने ये एयरटेल 4G की सिम डाली हुई है जो कि ख़राब है भाई, देख रहे हो है ना। अल्ट्रा प्रो मैक्स, नोकिया 2100 अल्ट्रा प्रो मैक्स भाई, हर गेम चला सकते हो आप इसमें, एक से एक गेम। ये जो BGMI है ना, ये तो इसके लिए बहुत छोटा है भाई, ये 90 FPS पे चला सकता है इसको। तो ये है हमारा एयरटेल 4G सिम डली हुई है,
खैर अभी एक बार जिंदा हो जाए, शेर है भाई ये शेर, चाहे आप कुछ भी बोलो शेर है ये खराब नहीं होते, चाहे इनको कितनी बार गिरा दो कुछ हो जाओ भाई ये खराब ही नहीं होते, ये इतने मस्त फोन होते थे ना ये नोकिया के, कि भाई इनके आगे सब फोन फैल है। खैर अभी तो ये नहीं आते, कोई नहीं भाई अभी जरूरत भी नहीं थी इनकी। तो मैंने जो थोड़ी सी देर भाई इस मकोड़े चार्जर से या जो भी आप बोलते हो भाई से, मैंने इससे चार्ज करके तो देख लिया है बहुत सारे से बिच्छू चार्जर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आप बताना कि आप इसको क्या बोलते थे। अगर आपकी एज कम है तो भाई आपने शायद कभी ऐसा चार्जर देखा भी ना हो। बाकी अभी जो है हम इसे देख लेते हैं और ये चीज़ यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ क्यों यूज़ करेंगे, जो भी पहले ऐसे मोबाइल को यूज़ कर चुका हूँ सभी को पता ही होगा भाई। और बताना कि आपकी याद दे भाई, मैंने ताज़ा कर दिया नहीं, अगर आप बच्चे हो तो अपनी फैमिली वालों को ये मोबाइल दिखाना एक बार ऐसा कुछ, और पूछना कि ये चीज़ क्यों यूज़ करते थे। ठीक है, सभी करते होंगे लगभग, जितने भी ऐसे ऐसे मोबाइल को यूज़ करते थे ना सभी के सभी भाई ऐसी चीज़ें ज़रूर यूज़ करते थे इसमें। बाकी मैं भी देख लेता हूँ यार ये चलेगा या नहीं चलेगा, वैसे नोकिया का भरोसा भाई चल जाना चाहिए अभी, अगर चल जाए तो अच्छा है यार। उम्मीद करता हूँ कि अब की बार तो ये चल जाए भाई। भाई मैं एक बार देखना चाहता हूँ इसको, बैटरी के तो देखो फुल लो दिखा दिए थे अभी इसने, अगर एक बार चल जाए ना तो मैं एक गेम ज़रूर खेलूँगा। अरे भाई अरे 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 भाग 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 जल्दी 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 गेम। तो देखो इसमें ये कुछ होता था, इसमें कुछ और नहीं था, बस ये कॉल हिस्ट्री प्रोफाइल सेटिंग वगैरह अलार्म रिमाइंडर गेम्स। तो मैं ये गेम सबसे ज़्यादा खेलता था भाई, ये स्नेक वाला। कुछ और थे 1100 नोकिया 1100 भी आए थे उसमें, जो है अलग स्नेक वाला गेम होता था, इसमें ये वाला। मैं जल्दी से दिखा देता हूँ कहीं भाई ये फिर से स्विच ऑफ हो जाए। कंटिन्यू, अरे कंटिन्यू ये अभी तक ओ भाई ये कब का गेम देखो अभी तक, भाई सैल्यूट है यार इस गेम को तो भाई अभी तो कंटिन्यू, मतलब यहाँ से हमने छोड़ा था पहले कभी गेम, तो आज का गेम प्ले वही शुरू होता यहीं से। और आज जो मैं अपने स्नेक को चला रहा था और एक ही एक मेंढक आया और ये मैं खा गया, और ये जो बड़े वाला मेंढक है ना भाई इसको हम टूडू मेंढक बोलते थे, टूडू, और ये कुछ सेकंड के लिए आता है और इससे ना ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। यार ये क्या गेम खेल रहा हूँ मैं आज, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार फ्लैश ऑफ कर देता हूँ फिर आपको अच्छे से दिखेगा। चलो अगले वाले गेम में कर देता हूँ, देखो ये ना एक ही बटन से चलता है बस। ओ भाई नीचे वाले से दूसरी साइड, अब देखो ये यहाँ पर इसको लग गया ना इसलिए टपक गया, तो हम जो है दोबारा गेम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं फ्लैश ऑफ कर लेता हूँ। तो अभी जो भाई हम नया गेम स्टार्ट करेंगे और ये है हमारा भाई आज का गेम प्ले। भाई क्या ही गेम था यार ये, इस गेम को खेल खेल कर भाई हमारा बचपन गुजरा है। उसके बाद बहुत लेट जो है मोबाइल आए थे फिर तो यार स्मार्टफोन, जब मतलब जब हम बहुत ज़्यादा छोटे तब तो हमने यही खेला है, और ये गेम भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था भाई। इसके बिना जैसे आज हम BGMI खेलने के लिए तरसते ना, पबजी खेलने के लिए तरसते हैं, वैसे आजकल तो बहुत कम तरसते हैं, पबजी खेलने के लिए तो तरसते हैं, BGMI खेलने के लिए बहुत कम तरसते हैं। तो भाई अगर तो आपको इसका गेम प्ले चाहिए तो नहीं कमेंट्स गेम प्ले तो मिल गया ना, गेम प्ले अभी इसकी स्क्रीन नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं इसकी की मैंने, रिकॉर्ड कर ले भाई फिर इसको भी। नहीं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की भाई मैंने, इसका वो एप्लीकेशन नहीं है इसमें भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिर वाली। डालो यार उसको। यार भाई सच में ये गेम मैं बहुत ज़्यादा खेला हूँ, जब भी मेरे पापा भाई घर आते थे ना हम ये लेकर खेलने लग जाते थे, तो और हमारे घर वाले बोलते थे कि तुम कोई ऐसा बटन दबा दोगे जिससे खराब हो जाएगा, लेकिन वो बटन इसमें होता नहीं बस वैसे ही बोलते हैं। तो ये दबा दूंगा देखो वहां से जल्दी, अरे यार वो भाग गया। तो बस यही गेम था भाई, और इस गेम को खेल खेल कर ही भाई मतलब क्या ही मजे लिए हैं हमने बचपन में, देख रहे हो बस ये गेम खेलते थे। और अब आप देखो कि अगर आपकी एज 7-8 साल भी है ना तो आप कैसे कैसे गेम खेलते हो, और हम ये गेम खेलते थे। अब इस गेम में कुछ और नहीं होगा, कहीं आप सोचोगे कि भाई ड्रॉप व्रोप भी आएगा क्या, लुटोगे क्या उसे, इसमें बस यही ड्रॉप होता है। देखो जैसे ये बंदे टपका ये ड्रॉप आ गया, ये समझ लो भाई ये ड्रॉप था। यार मैं तो भूल गया इसे खेलना, ये क्या कर दिया मैंने, पहले अच्छे से आता था, अभी स्क्रीन पता नहीं इसकी ऐसे क्यों दिख रही है भाई, ऐसे दबी दबी सी चारों ओर से, या तो ये इसमें कुछ पानी वानी गया होगा कभी या कुछ, मुझे लगता बाकी इतने दिन के बाद ये चल गया वही बहुत बड़ी बात है यार। और देखो कितनी देर तक चल रहा है भाई अभी ये, पहले ये मतलब एक बार आंखें खोल रहा था और फिर लेट जाता था, तो अभी ICU में से निकल कर आया भाई ये। भाई तो नूब है इस गेम में। नूब हूँ मैं, पहले भी नूब था, वैसे बहुत दिन हो गए यार मुझे खेल ले ये गेम। वाह भाई खत्म खत्म,
टाटा बाय बाय। यार सच में यार क्या गजब की चीज थी भाई ये गेम मैं ज्यादा खेलता था। ये इतना दूसरा गेम दिखाई, ये दूसरा गेम था इसमें, ये मैं न्यू कर लेता हूँ, ये गेम भी मैं खेल रहा हूँ। ये गेम ना मुझे अच्छे से आ गया था खेलना। ये शायद ना 8 और 5 से फायर करेगा किसी से। ओहो ये था, ये कुछ था इसमें। ये क्या हो गया भाई? फायर करो अच्छा भाई। ये इससे 8 से कुछ हो करेगा, ये ऐसे शायद ऊपर नीचे से जाएगा और 8 से 5 से ऐसे कुछ फायर करेगा ये। भाई पता नहीं क्या क्या करेगा, क्या नहीं करेगा अभी तो देखो हम मरने वाले। भाई पता नहीं क्या था लेकिन ये गेम भी मस्त था। पर सबसे ज्यादा जो हमने खेला ना उसने एक का गेम खेला है, ये नीचे वाला बिल्कुल खराब गेम था इसमें। ये नहीं था ये वाला, ये गेम तो मुझे आज तक नहीं खेलना आता भाई। पता नहीं भाई क्या था इस गेम में, ऐसा समझ में नहीं आया। हाँ जो भी था मस्त था यार ये, बाकी ठीक है। मैंने स्नेक वाला बहुत पहले खेला था, कुछ को ये नॉर्मल सी बात लग रही होगी लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में भाई ऐसे मोबाइल चलाए है ना, ऐसे गेम खेले है तो पक्का आज आपकी यादें भाई ताज़ा हो गई होगी। और ये फ़ोन ना हमने बिल्कुल अच्छे से रखा है, देखो आज भी चल रही है इतने साल के बाद। और इसे हम रखेंगे, इसको देंगे भी नहीं हम किसी से। ये हमारा जो है पहला ही मोबाइल था, इस पर पहले यहाँ पर भाई लैमिनेशन थी लेकिन अभी देखो ये हट गई है तो इसके ये जो है यहाँ पर मिटने से लग गया भाई थोड़ा भाई सा। फिंगरप्रिंट लगा, हाँ फिक्के से लग गया, फिंगरप्रिंट लगा दिया देखो भाई। अनलॉक कर फोन, फेस अनलॉक भी इसमें चलता सब है यार इसमें। इसकी हम एक ट्यून बजा कर देखते, एक मिनट रुको। सारे जहां से अच्छा भाई देखो मुझे अभी याद आया यार, हमने ना इसमें कोडिंग की थी, इसमें ना कोडिंग टाइप का कुछ था। देखो दिखाता हूँ आपको यार, ये बजेगी नहीं क्या यार? मैं बटन सोच रहा है यहाँ पर कि बटन मिलेंगे आवाज ज्यादा तेज की। यार ये कैसे बजेगी, एक मिनट देख लेते अगर बज जाए तो। ये एक्स्ट्राज में हमने ना ये कोडिंग की थी, इसमें ना कुछ होता था जिससे हम जो है देखो पिक्चर एडिट कर सकते थे, हम यहाँ पर कोई भी पिक्चर बना सकते थे। और भाई अब याद आया ये इसका ना मतलब जैसे वो मोबाइल में होता ना पीसी में होता है पेंट, वैसा ही कुछ था इसमें। हमने जो है पहले कुछ पिक्चर बनाई है, जैसे कुछ क्लिप आर्ट बनाना होता तो ऐसे कट करके मतलब एक एक डॉट लगाकर हम इसमें फोटो बना सकते थे और मैंने बनाई है इसमें पहले भी याद आया मुझे। और ये कुछ था इसमें भाई, ये MPT है, यहाँ पर हम रिंगटोन बना सकते थे देखो इस तरह से। ये इसके कोड थे और इससे ना हम कैसी भी कोडिंग ऑल कर सकते थे कि जैसे ये टून बजती सारे जहाँ से अच्छा। और पहले ये मैं बना देता था, अब तो मैं भूल गया। ये देखो इस तरह से कुछ होता था, बज रहा भाई आज भी ये, मुझे वो बजानी है सारे जहाँ से अच्छा, तब आप समझ जाओगे कि भाई कैसे होता था इसमें। वो शायद वहां से जाके दिखेगी आपको, कहां से बजेगी भाई प्रोफाइल में जहां से रिंगटोन लगाते हैं ना, शायद वहां पर जाके चेक करेंगे, वहां पर रिंगटोन मिलेगी तो वहां पर माय स्टाइल। यहाँ से शायद हम कर ले, यहाँ पर अगर मुझे मिल गई ना वो सारे जहाँ से अच्छा तो शायद हो जाए। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ओके अब मैं इसकी वॉल्यूम करता हूँ, ये देखो भाई। भाई आज याद आया हमारे घर में जब भी फोन आता था ना ये ट्यून बजती थी और हम ये बोलते थे कि फोन आ गया आज। यार ये कितनी पुरानी यादें ताजा हो रही है आज देखो। अरे वाह, ये टून खुद बनाई थी हमने, ये टून ना हमने खुद बनाई थी। ये नहीं था कि भाई हम किसी से ले सकते थे सेरिट वगैरह से, ये बस ऐसे ही हमें ये कोडिंग करनी पड़ती थी, कोड रखते थे ऐसे मोबाइल से। और ये टून जब उस टाइम ना मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था भाई मोबाइल में तो ये चीज़ मैंने कर ली थी। लेकिन आज तो भाई मैं सच बताऊँ ना मैं 1% भी नहीं कर सकता ये, लेकिन उस टाइम कर लिया था। और इसमें आज भी वाइब्रेशन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्या हो गया भाई इसका वाइब्रेशन खराब हो गया क्या? वाइब्रेशन इसका नहीं हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है भाई वाइब्रेशन। नोकिया का भाई तो देख रहे हो भाई आजकल के मोबाइल के मोबाइल जो है ना इसके आगे फिक्के है भाई। 15 से ज्यादा साल हो गए इसको, 2003-04 में आया था शायद ये मोबाइल। और हमने कब लिया था वो मुझे याद नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा। शायद ले लिया होगा भाई 2005 में शायद,
तो देख सकते हो भाई 17 साल के लगभग इसे हो गए और आज भी ये फोन बिल्कुल ओके है भाई। इसमें हर चीज चलती है। हर एक बटन काम कर रहा है अगर मैं इसका। इसमें सिम डाल दूं ना तो इसमें शायद सिम भी डले चल जाएगी, लेकिन वो मतलब ही भाई 2G 4G है, 4G तो 4G वैसे ही का नहीं चक्कर चलेगी हो गया इसमें भाई। शायद, क्या पता 2G में चल जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन भाई देखो आज के टाइम भी ये फोन चलता है। मैसेज आए थे क्या इसमें बाद में किसी के? इनबॉक्स MPT है भाई, सब कुछ ये खत्म है। पिक्चर मैसेज 8053, ये पता नहीं भाई किसके नंबर थे उस टाइम पे। देखो ये ऐसे मैसेज भेजते थे। अरे वाह भाई, ये नंबर पता नहीं यार किसका है। जो भी है मैं हाइड कर दूंगा इस नंबर को, क्या पता अभी भी ये किसी का हो। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि ये चलता हुआ किसी का। ये चीजें देखो भाई, ये जो है पहले ना जो भी थे ये मैसेज भेजकर, जैसे आप अगर इमोजी थे भाई इमोजी, जैसे ये आप किसी के पास इमोजी भेजते हो ना, तो ये इमोजी होते थे भाई उस टाइम, जैसे प्लेन वाला ये, और ये बनते थे भाई। ये जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि हम बना सकते हैं एडिट, तो ऐसी फोटो हम खुद भी बना सकते थे, वो टिक कर करके ये हर्ट वगैरह का, ऐसे ऐसे हम खुद भी बना सकते हैं। देखो ये इमोजी होते थे भाई उस टाइम के। वाह, और ये सभी और ये हैंड देखो मेड। भाई हैंडमेड इमोजी है भाई ये। हैप्पी होली एक दिन पहले ही। अरे वाह भाई, ये क्या चीज़ दिखा दी आज मैंने आपको, देख रहे हो? तो ये इसके आप जैसे वो GIF होते हैं ना, वैसे ये देख सकते हो। गुड नाइट NGT, NGT अरे गुड नाइट। अरे वाह भाई, NGT लिखा, ये देखो। अरे बिल्कुल HD क्वालिटी में मिलेगी भाई आपको सब। तो यही था इसमें, और तो कुछ मुझे नहीं लगता है कि इसमें और कुछ होगा। मैंने आपको बहुत कुछ दिखा दिया यार आज इसमें। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था भाई, मैं तो गेम ही खेलने के लिए आया था। मजा आ गया भाई मुझे तो आज इतने दिन के बाद ये मोबाइल यूज करके। आपको कैसी लगी भाई ये वाली वीडियो, जरूर बताना। अगर आपने ये मोबाइल यूज किया है तो बताना कि आपका चलता है नहीं चलता, कहाँ गया कहाँ नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही था, यहीं पर खत्म करते हैं वीडियो, कुछ ज्यादा लंबी हो रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको।